Hello students, today we will talk about net indirect tax. So what is net indirect tax? Net indirect tax refers to the difference between indirect tax and subsidies. So for understanding net indirect tax, we have to understand what is indirect tax. So indirect tax are typically added to the price of goods or services. Sales tax, value added tax, excise tax, कस्टम ड्यूटीज आर एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स. जो भी टैक्स होता है हमारी चीज़ों के अंदर, हमारी गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर ऐड किया जाता है, दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स. सो इट वॉन्ट बी कलेक्टेड, इट वॉन्ट बी गिवन डायरेक्टली और वी वॉन्ट पे इट डायरेक्टली. इट इज कलेक्टेड इनडायरेक्टली और थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज, सो इट इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स. जैसे कि हम लोग इनकम टैक्स वगैरह डायरेक्ट देते हैं, सो वो होता है डायरेक्ट टैक्स. बट जब हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज पे कोई टैक्स देते हैं, सो दैट इज नॉट डायरेक्ट टैक्स, दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स. नाउ विल टॉक अबाउट सब्सिडीज. व्हाट इज सब्सिडीज? सब्सिडीज आर द इकोनॉमिक असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द फर्म एंड हाउसहोल्ड्स विद अ मोटिव ऑफ जनरल वेलफेयर. गवर्नमेंट के थ्रू हमें जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं, that is known as subsidies. Subsidies is a transfer of money from the government to an entity. It leads to a fall in the price of the subsidized product. जैसे कि हम लोग जो गैस सिलेंडर्स लेते हैं, उसके अंदर गवर्नमेंट के थ्रू हमें सब्सिडीज दी जाती है. हमें कैश अमाउंट, मतलब नॉट कैश, हमारे अकाउंट में जो है एक अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है. पहले ये होता था कि उसी को प्राइस में से पहले डिडक्ट कर देते थे और हमारा जो सिलेंडर का रेट होता था वो कम हो जाता था. बट नाउ व्हाट गवर्नमेंट इज़ डूइंग, दे आर ट्रांसफरिंग सम परसेंटेज ऑफ अमाउंट टू आर अकाउंट. ओके, सो दैट इज़ नोन एज सब्सिडीज. अब सब्सिडीज में आता है फैक्टर, मतलब नॉट इन सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर ही आएगा फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस. तो व्हाट इज़ फैक्टर कॉस्ट? फैक्टर कॉस्ट मीन्स द अमाउंट पेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, इट इज़ नोन एज फैक्टर कॉस्ट. किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन में जितना भी अमाउंट लगता है, दैट इज़ नोन एज फैक्टर कॉस्ट. एंड मार्केट प्राइस, इट रिफर्स टू द प्राइस विच प्रोडक्ट इज एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट. जिस भी अमाउंट में मार्केट में चीज़ सेल हो रही है, दैट इज़ नोन एज मार्केट प्राइस. एग्जाम्पल, कोई पेन है, उसका फैक्टर कॉस्ट और वी कैन से प्रोडक्शन कॉस्ट इज 6 रुपीज़, बट मार्केट प्राइस विल बी 10 रुपीज़, क्योंकि मार्केट में जब वो सेल हो रहा है, वे आर सोल्ड आउट होता है, तो उसका प्राइस क्या रहता है? 10 रुपीज़. सो मार्केट प्राइस विल बी 10 एंड फैक्टर कॉस्ट विल बी 6. नाउ देर आर सम एग्जाम्पल्स हाउ टू कैलकुलेट नेट इनडायरेक्ट टैक्स. सो जब इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज को माइनस किया जाता है, सो वो निकलता है फैक्टर कॉस्ट. बट मार्केट प्राइस के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऐड फैक्टर कॉस्ट इन नेट इनडायरेक्ट टैक्स. सो देर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेट इनडायरेक्ट टैक्स इन द फॉलोइंग केसेस. फर्स्ट केसेस, इनडायरेक्ट टैक्स 0 है, सब्सिडीज 100 है. सो व्हाट विल बी द एनआईटी? अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, एनआईटी इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज. सो 0 माइनस 100 इज इक्वल टू माइनस 100. केस 2, इनडायरेक्ट टैक्स इज 250, सब्सिडीज इज 0. So net indirect tax is equals to 250 minus 0 equals to 250. Third one is indirect tax is 200, subsidies is 120. So 200 minus 120 is equals to 80. Thank you.